नमस्कार दोस्तों, आज हम फाइबर का एक और टॉपिक जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ वी नंबर है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वी नंबर को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसका रिलेशन क्या है कि वी इज इक्वल्स टू पाई डी मल्टीप्लाई बाय न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइड बाय लैम्डा। डी क्या है? डायमीटर ऑफ द कोर है, कोर के बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द कोर ऑफ द फाइबर है। और न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि ये लाइट गैदरिंग एबिलिटी है एक ऑप्टिकल फाइबर की। तो ये रिलेशन हो गया पाई डी बाई टी बाई लैम्डा इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? अगर दोस्तों वी लेस देन है 2.405 तो फाइबर को बोलते हैं मोनोमोड फाइबर, पर अगर v ग्रेटर देन 2.405 है तो फाइबर क्या है? मल्टीमोड फाइबर है। अब मोनोमोड और मल्टीमोड के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर से यहां बताता हूं कि मोड सिंपली क्या मीनिंग है। मोड मींस पाथ फॉलोड बाय द लाइट, कि अगर लाइट एक ही पाथ फॉलो कर रही है कोर में से पास होने के लिए तो उसको बोलते हैं मोनोमोड, सिंगल मोड। अगर लाइट एक से ज्यादा पाथ फॉलो कर रही है तो उसको बोलते हैं हम मल्टीमोड। तो मोड इज द पाथ फॉलोड बाय द लाइट। सो वी नंबर नंबर ऑफ मोड से भी रिलेटेड है। अगर नंबर ऑफ मोड्स वी स्क्वायर बाय 2 के इक्वल है तो वो स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए है। अगर नंबर ऑफ मोड्स वी स्क्वायर बाय 4 के इक्वल है तो वो ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर के लिए है। तो दोस्तों क्या करा हमने? वी का रिलेशन करा पाई डी बाय लैम्डा इनटू न्यूमेरिकल अपर्चर। अगर वी लेस देन 2.405 है तो फाइबर क्या है? मोनोमोड। अगर ग्रेटर देन 2.405 है तो फाइबर क्या है? मल्टीमोड। और नंबर ऑफ मोड का वी के साथ क्या रिलेशन है कि एन इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2 फॉर स्टेप इंडेक्स फाइबर, एन इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 4 फॉर ग्रेडिएंट इंडेक्स फाइबर। दोस्तों हमारी वेबसाइट भी देखिए venusscience.com। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।